नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल। आप देख रहे हैं डीसीपी न्यूज और वक्त हो चुका है रेडियो के अंदाज में मुख्य खबरों का। आइए शुरुआत करते हैं सीबीएसई बोर्ड से। सीबीएसई बोर्ड की 12वीं कक्षा का परिणाम शुक्रवार को दोपहर 2 बजे जारी हो गया। बोर्ड की वेबसाइट पर एक रोल नंबर फाइंडर लिंक भी जारी किया गया है। इसकी मदद से छात्र अपना रोल नंबर आराम से ढूंढ पाएंगे और अपनी परीक्षा का परिणाम देख सकेंगे। खबर है उत्तराखंड बोर्ड से। शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे उत्तराखंड बोर्ड के कार्यालय में नतीजे घोषित करेंगे। परिणाम अमर उजाला की वेबसाइट और उत्तराखंड बोर्ड की वेबसाइट पर देख सकेंगे। खबर है उत्तराखंड कोरोना से जुड़ी। उत्तराखंड में कोरोना के नए 48 संक्रमित मिले, एक भी मरीज की मौत नहीं, 91,000 से ज्यादा को लगी वैक्सीन। खबर है राज्य में स्कूलों से जुड़ी। प्रदेश सरकार 2 अगस्त से स्कूलों को खोलने जा रही है। कोरोना की तीसरी लहर की आशंका और कोविड कर्फ्यू के बीच प्रदेश सरकार के इस फैसले को लेकर चर्चाएं शुरू हो गई हैं। अधिकांश अभिभावक सरकार के इस फैसले को लेकर असहज हैं और उनकी चिंता अपने बच्चों के स्वास्थ्य को लेकर है। इस लिहाज से प्रदेश सरकार के सामने 10 लाख से अधिक बच्चों के सुरक्षा कवच दिए जाने की कड़ी चुनौती होगी। खबर है मसूरी से। मसूरी कैंप के फॉल से लौटाए 17 पर्यटक। कोरोना गाइडलाइन के उल्लंघन पर 18 का हुआ चालान। खबर है किसानों से जुड़ी। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय संजीव तोमर ने कहा कि केंद्र सरकार किसान विरोधी तीनों कृषि कानूनों को तत्काल रद्द करे। सरकार यदि कृषि कानूनों को वापस नहीं लेती और एमएसपी पर कानून नहीं बनाती तो आंदोलन को व्यापक रूप दिया जाएगा। खबर है राज्य निर्यात से जुड़ी। राज्य में निर्यात को बढ़ावा देने के लिए अभी तक निर्यात नीति को मंजूरी नहीं मिल पाई है। फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन के सहयोग से विभाग ने निर्यात नीति का ड्राफ्ट बनाकर मंजूरी के लिए शासन को भेजा गया था। 1 माह से अधिक का समय हो गया लेकिन इस पर कोई फैसला नहीं हुआ है। औद्योगिक संगठन भी सरकार से जल्द निर्यात नीति को लागू करने की मांग कर रहे हैं। अंतिम खबर है मौसम से जुड़ी। राजधानी देहरादून सहित राज्य के अधिकतर इलाकों में शुक्रवार को भी मौसम खराब बना हुआ है। देहरादून में सुबह से ही हल्की बारिश जारी है, हालांकि बाद में मौसम साफ हो गया। वहीं अन्य इलाकों में बादल छाए हुए हैं। हरिद्वार में मौसम साफ है, वहीं रुड़की में सुबह कुछ देर के लिए धूप निकली और फिर बादल छा गए। इसी के साथ आज की खबरों का सिलसिला यही समाप्त होता है। कल फिर लौटेंगे इसी वक्त, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। धन्यवाद।